मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम 4.2 एक्सरसाइज में आएगा। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, HHELIBEBCNOFNENAMG। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, HHELIBEBCNOFNENAMG LALSIPS, इसको HHELIBE बकनो, इसको कैसे बोलेंगे, बकनो BCNO बकनो, फनेनामग FNENAMG फनेनामग, अलसिप्स इसको HHELIBE, इसको ऐसे बोल देते हैं HHELIBE बकनो BCNO बकनो, ये याद हो जाएगा। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए जिसमें दो हो, तो जैसे L है तो L कैपिटल रहेगा, I स्मॉल रहेगा। फनेनामग अलसिप्स ALSIPS को SI अलसिप्स, ये याद करने का तरीका है। फिर से देख लो, HHELIBE बकनो BCNO बकनो, फनेनामग अलसिप्स इसको ENA स्मॉल, ये याद रख लेना। अलसिप्स ALSIPS अलसिप्स, क्लर्क का CLARKCA क्लर्क का, क्लर्क का क्लर्क बोलते हैं लिखने वक्त जो टाइप वगैरह करते हैं, तो क्लर्क का CA क्लर्क का, इस तरीके से याद कर लो। लेकिन ये याद ये चाहिए, HHELIBE बकनो, HHELIBE बकनो, फनेनाम अलसिप्स क्लर्क का। H फॉर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन नियोन NEON नियोन, सोडियम मैग्नीशियम MG, M पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल, एल्यूमिनियम A कैपिटल L, SI स्मॉल, CL क्लोरीन रहेगा CHLORI यानी आर्गन, K पोटेशियम कैल्शियम। ये सिंबल्स अपने को याद कर लेने हैं। सिंबल्स के बाद में फिर एक चीज और होती है, वो ये होता है कि जितने भी आपके एटम्स हैं उनमें क्या क्या रहता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 1, इसका क्या रहेगा 2, इसलिए मैं सिंबल्स को इसके सीक्वेंस में याद करने के लिए कह रहा हूं। इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19 और ये फिर ये 20, इस तरीके से चले जाते हैं। ये 13 है, 14, 15, 16, 16 पे सल्फर है, 17 पे क्लोरीन है, 18 पे ये आर्गन है, 19 पर पोटेशियम है और 20 पर कैल्शियम है। ये इस तरीके से याद करनी है, मैंने बता दी थी। ये एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर किसके बराबर रहता है, तो वो पूछेगा द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन क्या होता है, प्रोटोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एटम। अच्छा, दूसरी चीज,
जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, एटम जो है वो कैसा होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नहीं न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं, या तो इक्वल होंगे और या कम ज्यादा भी होंगे। प्रोटॉन के बराबर न्यूट्रॉन नहीं होते, कई में प्रोटॉन के बराबर न्यूट्रॉन होते हैं या लेस और मोर, एक दो ज्यादा होंगे या एक दो कम होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते, हो भी सकते हैं या कुछ कम हो सकते हैं या कुछ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर रहेंगे। तो इसलिए अच्छा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होते हैं, उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ये पूछ लेता है। अच्छा, दूसरी चीज, एटॉमिक नंबर किसके बराबर रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और एटॉमिक मास और होता है, वो होता है किसके बराबर, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके बराबर, न्यूट्रॉन के बराबर एटॉमिक मास होता है। जैसे ये किसका सिंबल है, लिथियम का। लिथियम के अंदर यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर 3 लिखा हुआ है। जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, ये है एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है। और ये लिखा हुआ क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। अब इसमें क्वेश्चन दे देगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास में कितने रहेंगे, इज इक्वल टू 3। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लेगा तो कितने रहेंगे, 7 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो दोनों को जोड़ दिया। तो अगर आपके पास में एटॉमिक मास है तो इसको एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो, यानी 7 में से माइनस 3 कर दिए तो 4 आएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, 7 माइनस 3 आपको निकाल करके, 7 में से 3 माइनस करके ये 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो जितने प्रोटॉन है उतने को उतने नंबर ऑफ ये रहेंगे, ये काटा पीसी भी करना, ये मैंने समझाने के लिए किया था। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास में 4 कैसे आए, 7 माइनस 3 किया तो ये 4 आ गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर के बराबर। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आएगा, इज इक्वल टू जितने प्रोटॉन है उतने को उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये एक अलग अलग एटम के लिए अलग अलग रहेंगे। तो यहां पर आपका सिंबल रहेगा, ये सिंबल होगा, ऐसे पूछेगा कि क्या है स्ट्रक्चर, क्या है यहां पर, एटॉमिक मास रहेगा यहां पर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, और यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ रहेगा, ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से भी बताते हैं, जेड लिख देंगे एटॉमिक नंबर और यहां पर एम एटॉमिक मास, इस तरीके से। एटम ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज इन मास एज लेफ्ट टू राइट। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूं कि आपके पास में ये पीरियोडिक टेबल देगा वो, तो ये आपके पास में देख लो एच, फिर ये एच ई, इधर एल आई बी ई बी सी एन ओ एफ एन ई एन ए एम जी ए एल एस आई पी एस सी एल ए आर के सी ए। अब ये जितने भी ब्लू लाइन वाले हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, और ये येलो वाले हैं जो वो सारे के सारे, तो यहां पर ये नॉन मेटल्स हैं पूछेगा। और ये जो है आपका एल्कली, एल्कली मेटल है, ये जो ये वाला ग्रुप है ये हेलोजन्स है, ये ध्यान रखना। अब जैसे हाइड्रोजन है तो यहां पर मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर, इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है। अच्छा, दूसरी चीज, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज इन मास
एज यू प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इनके मास नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। डाउनवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल, फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज लेस मास देन एन एटम ऑफ सोडियम, तो ये यहां से भी नीचे की तरफ जाएंगे तो इससे ये इसका मास कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। ईच एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर, हर एक के अंदर एलिमेंट नंबर होता है जो ये बताता है। दिस डिनोट टेल्स यू हाउ मेनी प्रोटॉन इन इट, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय विद एवरी एलिमेंट, ये वाला कम है, ये चार नंबर है, ये पांच नंबर है, ये सिक्स नंबर है, ये सेवन नंबर है, एट नंबर है, नाइन नंबर है, ये जो नीचे लिखा हुआ ये क्या है, ये इसका एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है, ये ध्यान में रखना, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, इसमें 8 प्रोटॉन है और 16 एटॉमिक मास है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मेरे को न्यूट्रॉन मालूम करना है तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आपके न्यूट्रॉन होंगे। इसी तरीके से आपके पास में जैसे 5 बोरॉन का 5 है तो यहां पर 11 क्या है, आपका एटॉमिक मास है और 5 आपके प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर है, जितने एटॉमिक नंबर रहेगा उतना का इतना एटॉमिक नहीं एटॉमिक नंबर रहेगा, प्रोटॉन भी इसमें है, 5 प्रोटॉन है, 5 एटॉमिक नंबर है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जो ये नंबर है उसके बराबर ऊपर वाले के बराबर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, एटॉमिक नंबर रहेगा, लेकिन नीचे जो ये एटॉमिक मास है। अगर आपको न्यूट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन मालूम करने तो 11 में से 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6, इसमें 6 न्यूट्रॉन है, जैसे ये वाला है सोडियम है, सोडियम के अंदर आपके पास में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, एटॉमिक नंबर 11, अच्छा एटॉमिक मास 23 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं तो 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो आपके पास में 12 सोडियम के अंदर 12 न्यूट्रॉन हो गए, यानी इसमें से ये वाला ऊपर वाला नंबर हटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, यानी 23 माइनस 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन रहेंगे, 12। अब ये ध्यान में रखना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहेगा, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, ये ध्यान रखना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से बहुत ही 1/2000, यानी कि जैसे कि आपका 2000 किलो पॉजिटिव, अगर प्रोटॉन का चार्ज है तो 1 ग्राम जो है आपका किसके बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम हमेशा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कोई मास नहीं मानते, हम मास किसको काउंट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीब करीब सेम होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उससे बहुत ही कम होता है, जैसे 2 किलो के अंदर 1 ग्राम को अपन क्या मानेंगे, कुछ नहीं, तो ये अगर 2 किलो एक प्रोटॉन का भार वजन है तो इलेक्ट्रॉन का वजन 1 ग्राम से भी कम होता है, इसलिए हम उसको काउंट ही नहीं करते, तो प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का वेट और न्यूट्रॉन का वेट सेम होता है, तो हम एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर मानते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा ओवरऑल एक जो एटम होता है वो कैसा, किस चार्ज, क्या चार्ज होता है उसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, जब दोनों सेम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज भी सेम होता है, जैसे कि इसके अंदर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर दिया, तो लिथियम के ऊपर जो है, लिथियम के एटम के ऊपर क्या रहेगा, न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा फर्स्ट ग्रुप के अंदर आउटर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, आउटर ऑर्बिट अभी समझाऊंगा, इसमें 2 रहेंगे, इसी तरीके से जैसे ये 8 नंबर पर है, इसको इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेज, ये इनर्ट गैसेज हैं सारी की सारी, ये इनर्ट गैसेज हैं, तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस होता है और इसके आउटर ऑर्बिट में क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ये लिथियम का एटम का एक एग्जांपल लिया है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो हैं बाहर, क्योंकि इसका नंबर कितना है, एटॉमिक लिथियम का क्या नंबर है, थ्री, और इसका जो है एटॉमिक मास कितना है, सेवन। तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर तीन प्रोटोन है और चार न्यूट्रॉन है, यहां पर रहेंगे न्यूक्लियस में कितने, तीन तो प्रोटोन और चार न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, जितने प्रोटोन है। तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट में इसको फर्स्ट शेल, इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं। ये जो है ये क्या है, डायग्राम आ जाएगा उसके ऊपर कहेंगे कि ये बताओ क्या है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल है और ये बाहर वाला क्या है, सेकंड। अच्छा इसको एक नाम और दे देते हैं के, इसको के दे देते हैं, इसको एल दे देते हैं, एम एन, के एल एम एन। तो फर्स्ट वाले को के एल, फिर तीसरे वाले को एम, फिर एन, इस तरीके से नाम भी दिए हुए रहते हैं, तुम्हारे इसमें नहीं है इसलिए नहीं होगा। अच्छा ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, इसको आउटर, इसको वैलेंसी शेल भी बोलते हैं इस वाले को। अलग अलग शेल इसी तरीके से ये होते हैं, और इसके अंदर तुमको ध्यान रखना है कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। इसकी मैंने ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, जीरो, प्रोटॉन कितना है, वन, इलेक्ट्रॉन कितना है, वन, इसका एटॉमिक मास कितना रहेगा, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। और इस पे इसी तरीके से हीलियम, हीलियम में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक मास कितना रहेगा, फोर, और इलेक्ट्रॉन दो है। लिथियम के अंदर फोर और थ्री, फोर न्यूट्रॉन थ्री प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास कितना रहेगा, सेवन, इलेक्ट्रॉन थ्री है। बेरिलियम, इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहेगा, जितने प्रोटॉन है उतने के उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये चीज ध्यान में रखो। और एक एटम हमेशा न्यूट्रल चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों ने एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल कर दिया, तो इस पे न्यूट्रल चार्ज हो गया। एटम हमेशा न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। ओवरऑल जैसे बेरिलियम फाइव न्यूट्रॉन चार फोर प्रोटॉन, तो फोर प्लस फाइव नाइन, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, नाइन, यहां लिखेंगे, और एटॉमिक नंबर कितना है, फोर, तो ये ध्यान में रखना है। बोरॉन बी छह न्यूट्रॉन पांच प्रोटॉन, कार्बन छह प्रोटॉन छह न्यूट्रॉन छह प्रोटॉन, ये नाइट्रोजन सेवन न्यूट्रॉन सेवन प्रोटॉन, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन एट प्रोटॉन एट न्यूट्रॉन एट प्रोटॉन, ये फ्लोरीन टेन न्यूट्रॉन नाइन प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, नाइनटीन। अक्सर तो बराबर होते हैं लेकिन कभी कहीं पर ये कम ज्यादा होते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है, जो नंबर है, जैसे कि आपको कह दिया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ, तो ऑक्सीजन का नंबर कौन सा है, ऑक्सीजन का जो नंबर है वो कौन सा है, इससे याद रहेंगे सीक्वेंस में, तो आठवें नंबर पर है। तो ऑक्सीजन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, टू, सेकंड में कितने दिखाने हैं, टोटल एट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि आठवें आठवें नंबर पर है तो एट प्रोटोन, तो एट प्रोटोन एट न्यूट्रॉन, और इसको क्या लिखना है आपको, न्यूक्लियस, इसको क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस, इसमें दो हो गए प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरे ऑर्बिट में कितने हो गए, सेकंड ऑर्बिट में छह, तभी तो टोटल एट होंगे, क्योंकि प्रोटॉन सेकंड वाले आठ से ज्यादा नहीं आएंगे कभी भी, ये ध्यान में रखना। कैल्शियम का नंबर कौन, कैल्शियम का नंबर है ट्वेंटी, तो ट्वेंटी इसमें प्रोटोन होंगे, ट्वेंटी नंबर पर है, ये देख लो आपने सिक्वेंस से याद किया हो तो, कैल्शियम ये ट्वेंटी नंबर पर, अब ट्वेंटी है तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में टू रहेंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने रहेंगे, एट, अभी इलेक्ट्रॉन एट हो गए, सिक्स रहेंगे, वो एट रहेंगे, सॉरी, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एट हो गए, एट और टू टेन, एक और बार एट आएंगे बेटा, अभी तो ये टेन ही हो गए, ठीक है, ये टेन हो गए, फिर मैं क्या करूंगा, फिर इसके बाहर के ऑर्बिट के अंदर डालूंगा, ये कितने हो गए, टू और एट टेन, फिर इसके अंदर भी कितने रहेंगे, एट ही रहेंगे,
इसमें भी 8 ही रहेंगे, तीसरे वाले में भी 8 से ज्यादा नहीं जा सकते, फिर इसके बाद में चौथा ऑर्बिट आएगा, चौथे में रहेंगे दो बेटा, चौथे में दो रहेंगे। ये मेरा गोला यहाँ से कट गया, तो मैंने जो ऐसे नहीं कि सर ने काटा तो मैं भी काट दूं, काटना मत, इसको बना देना पूरा। और किससे बनाओगे, किससे बनाओगे, कंपास से बनाना, सही सही अच्छे अच्छे। हम तो भाई, और मैं तुम्हारे को इसके डायग्राम भी भेज दूंगा। तो इस तरीके से रहेंगे, इसमें 20 कैल्शियम में 20 प्रोटोन होते हैं, और न्यूट्रॉन याद कर लेना लिस्ट में से, शायद वो नहीं देंगे। तो इसका सिंबल दे, ये आपको सीक्वेंस में याद रहेगी, तो ये बनाने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हीनियर, ये हीनियर याद रखना, HENEAR लास्ट वाले में हीनियर रहता है, और यहाँ पर फर्स्ट वाले में लाइनाक, और सारे के सारे बीच में एक, 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 एक,